हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ, आपको सारा दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज मेरी दो बहुत ही खास फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, तो उनका भी मैं आपको सारा व्लॉग में दिखाऊंगी। व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैं बना नाश्ता रही हूँ। तैयार कर लेती हूँ। मैंने आटे में गूंद दिया है मेथी, अजवाइन, नमक, हरी मिर्च वगैरह। ये मैंने स्टफिंग बनाई है, सिंपल। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, बस गोभी और उसमें हरी मिर्च, अजवाइन, हींग, नमक, ये सब डाल के मैंने मिक्सचर बना दिया है। और आटा गूंध दिया था मेथी वाला, उसे मैंने बनाई है। तो सर्दियों में तो वही, जितना ऐसी चीज़ें बको तो उतना अच्छा रहता है। तो ये बन रहे हैं मेथी के पराठे। नहीं, मेथी के नहीं, आटा मेथी का है और इसमें मैंने स्टफिंग डाली है गोभी की। तो मेथी प्लस गोभी के पराठे बन रहे हैं। और सुबह का ये नाश्ता आज मैंने बनाया है, और साथ में बनाई है ग्रीन चटनी और दही है इसके साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ, अगर ग्रीन चटनी और दही के साथ ये खाया जाए तो, पराठे। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ सुबह सुबह, आज मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और वहाँ पर क्योंकि बच्चों के स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी हुई है, लेकिन ट्रेनिंग्स के लिए टीचर्स को तो बुलाया जाता है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ अभी। उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो घर पर मैं नाश्ता वगैरह बनाकर आ गई हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज का दिन, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पर, बिल्कुल खाली है, क्योंकि बच्चों की वजह से स्कूल भरा भरा होता है। तो बच्चों की तो चल रही है छुट्टियाँ, और आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ग्राउंड। और चलते हैं अंदर, अंदर हो रही है हमारी ट्रेनिंग अंदर। सभी वहाँ पे आपको टीचर्स वगैरह मिलेंगे, तो वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो बीच में हो गया है टी ब्रेक, सभी के लिए चाय आ गई है। तो मैं सारा आपको ट्रेनिंग का नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है जॉब में। तो अब हो गया लंच टाइम, तो यहीं की तरफ से हमारा लंच अरेंज किया गया था। काफ़ी सारा लंच था, मतलब दो लोग आराम से खा सकते हैं इस लंच को। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था ये, और टेस्टी था काफ़ी लंच। तो हमारी सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक ट्रेनिंग चली। तो अब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने, जो कि 4-5 साल बाद मेरे से मिल रही हैं। हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। आ जा, कैसे डर गई? कैसी हो? ठीक हूँ, तो सुना। बस बढ़िया। ब्लॉग में हम लोग मिले हैं मीनाक्षी से दोबारा से। आज आप सभी लोग अभी एडिटिंग बाद में मीनाक्षी अपने आप करेगी। तो हम काफ़ी टाइम आज हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, और ये आई है उत्तराखंड से मिलने हमसे यहाँ पर दिल्ली में। यहाँ के कितनी गर्मी लग रही है। छोटे वाले कहाँ छोड़ गए? छोटा घर पे ही है, उसको नहीं। कौन सी क्लास में आ गई? ये नहीं, जब पुराना नहीं आ रही है यार, वो भी नौटंकी दिखा रही है। पता नहीं आ जा कहा, तो घर तो मैं क्यों आऊँ, आप मेरे से बात ही नहीं कर रही हो ढंग से। मैंने कहा फ़ोन करके बाहर ही बुलाओ, तो दोस्त हो बाहर ही मिलोगी। रह ये वाइट वाला, क्रीम वाला अच्छा लग रहा है। नहीं, ये कैसी है?
बढ़िया अंदर है वैन जब साइज शॉपिंग उसे मैं कर रही हूँ सब। भाई हम फ्रेंड्स हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, हम यहाँ मिले हैं। कितने सालों बाद मिले मैडम? 7-8 ईयर्स बाद हम मिले हैं। क्या गर्दन दबा रहे हो एक दूसरे की? फाइनली खरीद लिया, फाइनली खरीद ही लिया, सिर्फ 2 घंटे लगे। मीनाक्षी के घर पर मैं इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आज भी बहुत दिनों बाद दो शॉपिंग। आवाज नहीं आ रही तेरी यहाँ तक, लेकिन ठीक है, मीनाक्षी ने ही शॉपिंग कराई है हमें, ठीक है ठीक है, चोरी छुपके करवाई है लेकिन बेस्ट करवाई है। हाँ देखो, और एक ब्रांड के लिए है। फाइनली 2-3 घंटों में तो करी ली इसने शॉपिंग, है ना? अब तो हाँ जी, बारी बारी से कबूतर कबूतर बन रहे हैं। खींच दो नीचे, खींच दो, मैं तो ऐसे सब बिजी आ रहा था जब भी मैं कहती थी बिजी बिजी बिजी। गाइस कोल्ड ड्रिंक, खांसी हो रही है। बर्गर बर्गर भी ले रही है इसके लिए? ना बर्गर नहीं खाता, ये इसको टेस्ट कर रही है। अच्छा, ये बर्गर नहीं खाता, मैंने। तो हम जो फ्रेंड्स हैं, काफी दिनों बाद, हम काफी सालों बाद मिले हैं और मिलके बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, आप भी अपनी राय देंगी जरा खाते खाते? हाँ, हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है, क्योंकि बगल वाले हमें देख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत अच्छी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट काट तभी तो वायरल होएगी। एक कट कट बहन, शोर शोर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। हाँ, शोर ही शोर आ रहा है, कोई बात नहीं। यादगार पल रहेंगे हैं, एक यादगार पल। क्या वो है ना, एक फेमस। ये देखो, बाहर हो रही है बारिश और अंदर हम बैठे हुए हैं। ये कुल्लड़ है तो डिस्पोजिबल है, कैसे चेंज हो गई होगी? अच्छा, अभी रुको, बताते अभी हम दो दो हैं ना। सुन भी लो क्या कह रहे हैं, मुझे भी बताते। हेलो, बताते चलो फिर।
बहन मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। कहाँ चली गई? पगला चुके देख लो, ये जो दो है ना, ये पगला गई हैं यहाँ के। आई ऑल्सो बेबी कम डाउन, बेबी कम डाउन। गाना चल रहा है भैया, कॉपीराइट लगवा रहे हैं सीधा सीधा। तो गाइस हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, अब हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। और मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैंने सुबह से अपना फ़ोन चार्ज किया था और मैं रील्स बनाते बनाते अपने फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज कर चुकी हूँ और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जाके बोरियत आएगी, लेकिन इन लोगों के साथ जो मज़ा है वो कहीं नहीं आता है। तो आप भी इनको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इनके चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। चलो जी मिलते हैं आपसे जल्दी, मिलेंगे जल्दी मुलाकात। अभी तो मिले हैं 4-5 साल बाद। ये सफर आज का नहीं है, ये सफर जन्मों जन्मों का है। अलविदा।